हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि रोडवेज विभाग में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जैसे कि मी स्कीम का घोटाला, करनाल में जाली टिकटों का घोटाला, बस स्टैंडों और रोडवेज की बसों में लगाए गए CCTV कैमरे और GPS सिस्टम और बस स्टैंड पर लगाए गए अनाउंसमेंट सिस्टम, अब विभाग के आधुनिकीकरण और बस संचालन के खर्च कम करने के नाम पर ई टिकटिंग मशीनों में घोटालों की जांच सीटिंग जज या CBI द्वारा करवाई जाए। जेलों में या आंदोलन को कुचलने के लिए अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते थे, इसी प्रकार से आज का जो माहौल है वो जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ या उच्च अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को दबाने के लिए अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि सही नहीं है। इसलिए मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील है, जो ये ई टिकटिंग मशीनें जो खरीदी जा रही हैं और लगभग ये काम पूरा हो चुका है, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को आपके द्वारा रोका जा सकता है। और इस जो जब 10 और 11 हज़ार रुपये में हमें मशीन मिल रही है तो 16 और 17 हज़ार रुपये की मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच करके और सच्चाई जनता के सामने लाई जाए तो करोड़ों रुपए घोटाले से रोडवेज बच सकती है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमें 22 जून को रोडवेज की तालमेल कमेटी ने कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुलाई है, उसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी वहाँ इकट्ठे हो गए और जो आज रोडवेज में जो भी हो रहा है, जिस प्रकार से कर्मचारियों को दबाया जा रहा है, जिस प्रकार से जो उनकी जायज बातें हैं, मांगे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, उसको लेके एक बड़े आंदोलन की घोषणा कुरुक्षेत्र में की जाए।